नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रोटी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं बात करने जा रही हूँ रोटी के बारे में। मैं आज आपको यह नहीं बताऊंगी कि रोटी हमें किस तरीके से पकानी चाहिए, बल्कि मैं ये बताऊंगी कि हमें कब कितनी रोटी खानी चाहिए, किस मात्रा में खानी चाहिए और कितने ग्राम की रोटी खानी चाहिए, जिससे आप हेल्दी रहें, फिट रहें और जिससे आपको डाइटिंग की भी जरूरत न पड़े। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और गाइस, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वस्थ रहने के लिए दिन भर में कितनी रोटियों की जरूरत होती है हमारे शरीर को? क्योंकि अधिक रोटी खाने से भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ खास बातें रोटी के बारे में, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको दिन भर में कितनी रोटियां खानी चाहिए ताकि आप बिल्कुल फिट रहें और हेल्दी रहें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि कितनी रोटियां हैं मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रोटी खाने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर आदि ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं। यदि आप 6 इंच की रोटी पकाते हैं तो इस रोटी में लगभग 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6 ग्राम प्रोटीन और 0.9 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। ऐसे में एक साधारण व्यक्ति को दिन भर में 6 से 8 रोटियां खाना काफ़ी रहता है। लेकिन जो लोग दिन भर अपने शरीर से अधिक काम लेते हैं या अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं, उन्हें कम से कम 12 रोटियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक मेहनती इंसान के शरीर को अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं वजन बढ़ाने के लिए। यदि आप वजन बढ़ाने के इच्छुक हैं तो आपको किसी तरह का कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन भर में जितनी रोटी खाना चाहे खा सकते हैं, क्योंकि जितनी अधिक रोटियां आपके पेट में जाएंगी उतना ही अधिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को मिलेगा, जो कि वजन बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आपको कितनी रोटी खानी चाहिए, या अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो कितनी रोटी खानी चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने शरीर के लगातार बढ़ रहे मोटापे या वजन की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में वह लोग अपनी डाइट को कम कर देते हैं ताकि उनका शरीर कंट्रोल में बना रहे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको दिन भर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ज़रूरत तो पड़ेगी। ऐसे में यदि आप एक दिन में 250 ग्राम कार्ब्स लेना चाहते हैं, जिसमें से 75 ग्राम कार्ब्स आप रोटी से लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप एक दिन में 5 रोटी खा सकते हैं। वजन नियंत्रित रखने के लिए एक सामान्य नियम ये है कि हमें रोटी दिन के समय ही खा लेनी चाहिए, हमें रात को रोटी नहीं खानी चाहिए। रात को हमें रोटी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक तो गैस वगैरह की काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और काफ़ी लोगों को रात के वक्त रोटी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और पाचन तंत्र पे भी इससे असर पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी यहाँ पर कि आपको रात के टाइम में रोटी नहीं खानी चाहिए। रात के टाइम आप हल्का खाना खा सकते हैं, जैसा कि दाल एंड राइस, दाल चावल खा सकते हैं, कुछ और हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। तो लेकिन चिकन और हैवी आइटम हमें नहीं खाने चाहिए रात को, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाकर नहीं सोना चाहिए। इंसान की अहम ज़रूरत होती है रोटी, क्योंकि भूख इंसान से सही और बुरे का फ़र्क छीन लेती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बिना खाए अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। आज के मॉडर्न युग में खाने में कई तरह के पकवानों का इस्तेमाल किया जाता है। यह खाने भले ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए मसालों और तेलों का उपयोग भी अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण भोजन शरीर में जल्दी पच नहीं पाता है और पाचन प्रणाली को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाता है। ऐसे में रोटी एक ऐसा हेल्दी फूड है जिसे खाने से किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हम बाहर का खाना भले ही कितना भी खा ले, लेकिन असली संतुष्टि हमें रोटी खाने से ही मिलती है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो रोटी के बारे में कि हमें कब कितनी रोटी खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए और कब किस टाइम हमें कितनी रोटी खानी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइस, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स और हेल्दी टिप्स शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो की लिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।